देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी शो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑटो वाले अंकल। इन्होंने देख ली है विजय देवरा कोंडा का लाइक है, कैसी लगी सर? बहुत अच्छी लगी मूवी। और इस मूवी को जो है कल तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था सवेरे से, और रात से जो है हिंदी वर्जन में। सर का काम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, और उनका काम जो है अच्छा लगा। यही है कि थोड़ा हकलाने का दिया गया, वो थोड़ा कुछ लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। सर इस मूवी में अनन्या पांडे भी, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में ये है कि कुछ लोग बोल रहे हैं, उसको ट्रोल कर रहे थे कि ओवर एक्टिंग की। ओवर एक्टिंग तो नहीं लग रहा है, जैसा हीरोनी को काम करना चाहिए वैसा उसने किया है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कपड़े उपड़े गायब है, कपड़े उपड़े गायब नहीं, ऐसे तो सब हीरोनी लोग कपड़े पहनते हैं। अच्छा क्या बात हो गया, कपड़े उपड़े गायब? कपड़ा तो पहना था उसने, मैं तो देखा नहीं गायब है। हाँ तो वही ना, तो ये नहीं है, अच्छा है वो लड़की ने अच्छा काम किया, बाप बेटे दोनों हैं उसके अंदर, और अच्छा एक्टिंग किया। जेकी से जंकी पांडे को देखा बहुत अच्छा लगा। अच्छा। तो ऐसा ओवर एक्टिंग कुछ नहीं है, बहुत अच्छी मूवी बनाई है। अब ये जो है एक स्टेटमेंट की वजह से इसके ऊपर टारगेट हो रही है। हाँ वही जो विजय सर और ये हीरो अनन्या पांडे ने दिया था कि पब्लिक से मजाक किया, वही बात हुई है। बस यही है, कॉन्फ्रेंस बुला करके उन्हें सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन के आगे किसी की नहीं चलती है। अगर हम डायरेक्शन एंड म्यूजिक की बात करें तो आपको कैसा लगा? बैकग्राउंड का म्यूजिक अच्छा है, और सब म्यूजिक इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड का म्यूजिक लास्ट तक है, वो दिल जान मतलब सबको पकड़ के रखती है। हाँ पकड़ के रखती है। और फाइट बीट अच्छा है, बहुत से अलग तरह का इसका जो है मतलब एक्शन विक्शन अलग, बहुत मजा है। सर इस मूवी में एक डायलॉग वाट लगा दूंगा, क्या लगता है ये? हाँ मूवी वाट लगा सकती है? देखो पहली बात क्या है कि ये हकलाते हैं, वाट लगा दूंगा बोलते तो हैं, लेकिन पूरा एंडिंग हो जाता है ये बोलते बोलते, लेकिन ये ठीक है, डायलॉग अच्छा है। अगर रेट करना तो 5 मुझे खेलना करेगा पूरा का पूरा 5। हाँ पूरा नहीं करोगे? नहीं नहीं कम नहीं करें, क्योंकि मुझे मूवी अच्छी लगी। अब किसी को अच्छी लगे चाहे ना लगे वो तो मैं जबरदस्ती नहीं बोल सकता, क्योंकि हीरो स्टार ने एक गलती तो की है, उसका गलती तो मतलब है उन्हें सॉरी बोल के बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। ओके बाय।